पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समन्वय समिति पक्षर आज संबलपुर समेत सारा पश्चिम ओडिशा आंदोलन कराई बर्तमान समय चित्त देखिए संबलपुर ये हूँ संबलपुर सिंदूर पक चौधरी छक दृश्य जितने देखीजे आम जहाँ आप ये जो दृश्य आज हूँ चाषी सरकार का जो नियम हो सरकार राज्य सरकार जो नियम कर टोकन हो चाषी के धान बिक्री होगाक नहीं आज चाषी मैंने आंदोलन करते ये आंदोलन सारा पश्चिम ओडिशा बर्तमान समय हो जहाँ समय थी दिन 10:30 आंदोलन आरंभ हो देखुए बर्तमान समय जो समस्त चाषी एकजुट हो सारे समस्त धान गाड़ी आसिक राज्य रास्त रखा चाषी को प्रतिक्रिया रखा कौन तर मुख्य दाबी रही है देखीचु आप पूर्वर मैं ये आंदोलन करते आज आंदोलन करते कौन मुख्यतः आप दाबी रही आज प्रकृति में चाषी राजस्तार तार कारण अच्छे जे प्रकृति में सरकार चाहे आमर ओडिशा सरकार हो बा दिल्ली सरकार हो जेन माने सब नियम तैयारी करूचन ते चाषी को नहींकर जो नियम चाषी के पचरावे ना कि आम के स्थिति अच्छू चाष करूँ आम चाष खर्चा हो कर मने मने से माने जो आईन करूचन तार विरोध में पश्चिम ओडिशा सारा 12 जिला आम रास्ता रोक करनिर्दिष्ट है जिते दिन पर्यंत आम फैसला ना आम नहीं उठू तो एक टोकन व्यवस्था आम जानू 10 नवंबर बिकमु बोल आमको आज डिसेम्बर 15 डिसेम्बर 20 चाषी कण गोटे कंप्यूटर है क्या तान कण गाड़ी अच्छे मोटर अच्छे रेडी अच्छे क्या लेबर रेडी अच्छे क्या तो ये अव्यवस्था हो तार बात रे आमर आगर DLPC रे डिसाइड कराला जे संबलपुर जिले में केते धान हम तो इनु डिस्ट्रिक्ट DDA भी लिखिकर देखन जे संबलपुर जिले में एवरेज माने 22 क्विंटल 50 KG धान बिकवार लगी किंतु सरकार कौन कर जाए जे 19 क्विंटल बिक अरे रेज धान करमु काना आज के मिलर धान नवा लगी रेडी नुहन आम बाध्य मान चाषी अभावी बिक्री शिकार हो व्यापारी संख्या जो कम कर व्यापारी संख्या बढ़ी भी गला आ मिलर मान धान किणवा लगे अमंजूर जदि ने क्विंटाल 1200 1100 इधर नौछन रेट कम जाउछ रेट बिल्कुल चाषी सरकार कहछन डेढ़ गुण पाइबा बोल के स्वामीनाथन कमिशन कले डेढ़ गुण कण आम चाष जी करूचु तार अधा भी नहीं पाइबार तो चाषी से आज रास्ता उठे आईटा जेते डिसाइड ना होगा ये रास्ता रोक बंद ना हो आज 12 जिले चल जहाँ देखुले प्रतिक्रिया रखुले चाषी सरकार का भूल जो चाषी बर्तमान समय अनेक दशा भोगुची जहाँ फल चाषी अभाव बिक्री होवार समस्या सम्मुखीन होती कि जहाँ चित्र देखुचु आम आपको छक हो देखुए आप संबलपुर रायपुर कोलकाता रास्ता ये पूरा रास्ता बर्तमान समय संपूर्ण बंद रही अंपट जब कह बर्तमान समय जो आंदोलन आरंभ हो आज चाषी के प्रतिक्रिया रखा अज्ञा देखु आप चाषी आंदोलन आरंभ कर सारे कौन मुख्यतः कौन दाबी रही आप मुख्यतः दाबी है जे DLPC को जेन सरकार मान्यता नहीं देवार दुई नंबर कथा है जे सबू जिलार गोटे रिपोर्ट जाइए केन आधार रे ओडिशा सरकार 19 क्विंटल जलसेचित अणजलसेचित को 13 क्विंटल कले आम जान नहीं पार्लु एवं ये सरकार अंध भाव जेतु आमको लदि देउछन आमर किसी कथा सुनवार नहीं तार विरोध रे आज आरंभ कर संगठन आंदोलन किंतु बंद करवार दायित्व सरकार रो है सरकार जेते बेले बंद करबे आम से आम दाबी सुनिकरी आम बंद कर देबु जहाँ प्रतिक्रिया कले चाषी आरंभ कर आंदोलन किंतु सरकार निष्पत्ति देवे परवर्त समय आंदोलन बंद हो जहाँ चाषी मैंने प्रतिक्रिया रखते आज किसी चाषी को प्रतिक्रिया रखा बर्तमान समय देखुए चाषी अच्छा बर्तमान समय प्राय पाखापाखी जिलार समस्त चाषी मैंने ये आसिक बर्तमान समय रही गले समस्त ये देखुए आप धान गाड़ी में आसिक बर्तमान समय ये सहर जिलार विभिन्न अंचल विभिन्न ब्लक मानकर ये धान गाड़ी आसिक राज्य रास्ता रखा गला आम जहाँ कह कुचिंडा रेडाकुल विभिन्न अंचल ये समस्त धान गाड़ी आसी राज्य रास्ता रखाई और दाबी बर्तमान समय इन्हें उपस्थित करते सरकार जो टोकन व्यवस्था और जो धान निर्णय करते कौन चाषी के धान बिकव ताक नहीं बर्तमान समय विरोध कर चाषी का प्रतिक्रिया रखा देखु आप आंदोलन पर आए आप पूर्व आंदोलन करते बर्षक पूर्व से समय गोटे आंदोलन थी मंत्री किसी आसिक आप समाधान कले समय एथर कौन लगुच समाधान पार्ब कि सर आम तो सही आशे आसीचु समाधान हो पार बोली निश्चित रूप समाधान हो बोल आम से आशा नहीं आसचु से मंत्री मान रहा कौटू आ चारपुर मंडी धान गाड़ी आ सरकार का व्यवस्था देखुंत कौन लगुच सरकार जिन व्यवस्था कर सब घाटिया व्यवस्था है ये व्यवस्था के आम निंदा करूचु संपूर्ण भाव में
13 କୁଇଣ୍ଟଲ 19 କୁଇଣ୍ଟଲ ଯେନ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସିକରି ହାଇବ୍ରିଡ୍ର ଧାନ ଚାଷ କରବାଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ସେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଆମର 35 36 କୁଇଣ୍ଟଲ ଧାନ ହୋଇଯାଏ ୟାନି 50 ବସ୍ତା ଧାନ ହୋଇଯାଏ ସେତାକେ ଦେଖିକରି ସରକାର କୁଇଣ୍ଟଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରବାର କଥା ବାକି ବଳକା ଧାନ ଆମେ ବିକମୁ କେନ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେବେ ଯେ ହେଇଯିବା କାଁ ଗତ ଥର ଯେନ୍ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରମୁ ବୋଲିକରି ଆଜି ଦୂର ନାଇଁ କଲେ ସେଠି ଆମେ ଭୋଗା ବନିଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ଭୋଗା ବନବାର ନାଇଁନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଆସିବେ କି ତାଙ୍କ ସଚିବ ନାଇଁ ଆସିବେ ଯିଏ ବି ନାଁ ଆସିବା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ସେ ଲାଗୁ ନାଇଁ କରିବେ ତବ ତକ ଇନୁ ଉଠା ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ କି ସରକାର ନା ଆମକୁ ତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯଦି ସଚିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକନୁ ଅରିବୁ ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଏ ଦାବି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହେଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଅବରୋଧ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଧାନ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲାଣି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଧାନ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।